पूरी श्योपुर रोड स्थित तालाब गहरीकरण के कार्य में भारी अनियमितता रहवासियों ने कलेक्टर SDM से की शिकायत। पूरी श्योपुर रोड स्थित रेंज के सामने करीब 1 करोड़ की लागत से तालाब गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, जहां शुरुआती कार्य में ही ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसके चलते आसपास रहने वाले रहवासियों द्वारा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी एवं SDM पूरी मोतीलाल अहिरवार को शिकायती आवेदन सौंपा है, जहाँ शिकायतकर्ता अनिल ने लिखित आवेदन के माध्यम से बताया कि श्योपुर रोड स्थित तालाब गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के चलते पिचिंग एवं अन्य निर्माण कार्य घटिया तरीके से कराए गए हैं। ऐसे में आगामी दिनों में बारिश होगी, जिसके चलते कच्ची पिचिंग से तालाब की पार फूटने की आशंका है, जो रहवासियों के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में तत्काल निर्माण कार्य की जाँच कराकर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाए। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम अनिल शिकरवार है। तो जी, आपकी क्या समस्या है तालाब वाली? हाँ सर, समस्या यही है कि मेरे पास में यहाँ मेरा रेस्टोरेंट और होटल बना रखा है मैंने। आज दिन देखा जाता तो ये मिट्टी है, ये पूरा निर्माण जो कर किया जा रहा है वो घटिया तरीके से किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि ये सारी मिट्टी अभी से ये हालत है, और 4 दिन बाद बरसात होगी तो ये सारी मिट्टी मेरे रूमों में, मेरे किचन में, और मेरे शिव जी का मंदिर है वहाँ पर आएगी। यहाँ पर मुझे पूजा करने में और मेरे गेस्ट आनों में, गेस्ट जो आएंगे उनको यहाँ पर आने में बड़ी आपत्ति होगी, मेरा व्यापार घाटे में जाएगा और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो घटिया किस्म का कार्य चल रहा है इसका कुल मिला के? जी सर। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है कि अभी तक? जी सर, मैंने शिकायत करी है। मैं CMO साहब को भी इस शिकायत के लिए एक लेटर दे दिया है, और श्री जिला महोदय जी को भी, कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन दे दिया है, और अपने SDM साहब को भी। और सर, अगर वो कार्रवाई करें तो और अच्छी बात है, इसको निर्माण को सही तरीके से कराया जाए। कोई रोलिंग वगैरह कुछ हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? सर, अभी एक रोलर मंगाया था, 24 घंटे भी काम नहीं किया, हल्का हल्का पानी डाल के उसको फॉर्मेलिटी करके फोटो वोटो खिंचा दिए साथ, मेरे को ऐसा लगा, और बाकी ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। मतलब 1 करोड़ की लगभग की इसकी राशि है, तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ? सुनने में आया है कि 1 करोड़ की राशि है। पहले मेरे को बताया गया था इनके द्वारा कि जब मेरे पास आए थे कि भाई साहब आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, तो मैंने कि क्या कि हमारी मशीनें आएंगी जिसमें ईंटें बनानी है, पेपर ब्लॉक बनाने हैं, क्यों आपकी इस ज़मीन को थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कोई दिक्कत नहीं। पर पता चला कुछ दिन बाद कि वो मशीनें वापस हो गई, कि क्यों कि जी हमारे उस स्टॉक में नहीं है, जो हमारी ड्राॅइंग में नहीं है, और हमारे क्या बोलते हैं जो कि इनके इंजीनियर होते हैं उन्होंने बोला है कि ये हमारे ड्राॅइंग में नहीं है, जिससे कारण पहले बताया गया था कि ये बाउंड्री की गई है हल्की सी फॉर्मेलिटी के तौर पर, इसको बता रहे थे कि ये 12 फुट की बाउंड्री होगी और प्लास्टर होगा और सीढ़ी मिंडी बनाई जाएंगी और ऊपर लाइटें लगाई जाएंगी, 20 फुट की पार बनाई जाएगी जिस पे पेपर ब्लॉक लगाया जाएगा। जैसा मुझे ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, जितना सुंदर पार्क बनना चाहिए था, जैसे बताया गया कि मुझे 1 करोड़ के ऊपर से राशि आई है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं 50 लाख या 70 लाख रुपये भी इस पर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने देखा गया कि इसमें उनको इतना फ़ायदा हुआ, इसमें कम से कम 2 लाख रुपए के पत्थर निकल गए जो उनको मार्केट से लेने पड़ते। कोई ये बात भी ना, मट्टी वगैरह ही बेची जा रही, पत्थर वगैरह बेच रहे हैं, सुनने में तो ऐसा लग रहा है सर, कभी देखा है कि मैंने ट्रैक्टर इधर से उधर जा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर